मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश के हालात कोरोना के मामले में देश में सबसे बदतर स्थिति में हैं। यह आंकड़े दबाए और छुपाए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़े छुपाने से कोविड दूर नहीं होगा। पूरे विश्व को पता था कि कोविड की सेकेंड वेव आने वाली है, जिसके चलते पूरे विश्व ने तैयारी की थी, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां कोई तैयारी नहीं हुई। इसके अलावा 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम को कमलनाथ ने सिर्फ नारे व घोषणा बताया है। उन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सारे विधायक और सांसद कांग्रेस के हैं। जहां प्रदेश में सभी जगह हाय हाय है, वहां पर छिंदवाड़ा जिले में कोई दिक्कत नहीं है और सभी विधायक सांसद जो लोगों की संपूर्ण मदद कर रहे हैं और राज्य सरकार कहती है कि वह छिंदवाड़ा की मदद कर रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। मध्य प्रदेश में मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा खराब हालत पूरे देश में है। यहाँ तो सब जो आंकड़े हैं दबाए जा रहे हैं, छिपाए जा रहे हैं, इससे कोविड दूर नहीं होने वाला। 3 महीने से सब जानते थे सेकंड वेव आएगा, दूसरा वेव आने वाला है। पूरे विश्व ने तैयारी करी, खाली भारत ही ऐसा देश था। बहुत शर्म की बात है, कोई तैयारी नहीं थी। सर वैक्सीन नहीं है और आज से वैक्सीन चालू हो रही है, सिर्फ 100 लोगों को दे रहे हैं सर। ये वैक्सीन भी नारा घोषणा इनको 18 इन्होंने अनाउंस करी चुनाव के समय, तो ताकि 18 साल 20 साल 25 साल वालों की वोट मिल जाए। ये भी एक वोट का खेल था। सर कोविड प्रभारी मंत्री का कहना है कि यहाँ छिंदवाड़ा में आज कोई वैक्सीन किसी और ने नहीं, कोई ऑक्सीजन किसी और ने नहीं, ऑक्सीजन और किसी ने लाके दिया। आपको उनका कहना है 1000 से ज़्यादा मौतें छिंदवाड़ा में हुई है पिछले 2 महीने में, क्या कहना सर? 1000 से ज़्यादा मौतें सरकारी रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, पर जिला प्रशासन छुपा रहा है इन आंकड़ों को। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, छिपा रहे हैं, दिबा रहे हैं। और प्रभारी मंत्री कुछ भी कहे, छिंदवाड़ा एक ऐसा ज़िला है जहाँ सब विधायक और सांसद कांग्रेस के हैं, हर ज़िले में हाय आए हैं और राज्य सरकार कह रही है वो छिंदवाड़ा की मदद कर रही है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।